तीन रन एक विकेट के नुकसान पर। नौ रन दो विकेट के नुकसान पर।
ओवर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 12। बारह पे 18 चाहिए, 12 पे 18। और ये वाइट बॉल रावल बॉयज, अभी 2 ओवर 4 बॉल 15 रन स्कोर हो चुका है। अदिल स्ट्राइक पे और ये काफी अच्छा, इन्होंने कोशिश की थी मारने की लेकिन एक ही रन मिल पाएगा यहाँ पे, कोई रन नहीं यहाँ पे। 2 ओवर 5 बॉल 15 रन, ये बहुत छोटा स्कोर का पीछा करते हुए रावल बॉयज अपने आप को चौक करते हुए, और ये इस ओवर की आखिरी बॉल वाइड बॉल करार दी गई। 2 ओवर 5 बॉल 16 रन। अभी भी अगर रावल बॉयज को इस मैच को जीतना है इस वाइड के साथ, रावल बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। और अब देखना ये होगा अंपायर का डिसीजन, रिव्यू हो रहा है। और ये अंपायर ने अपना डिसीजन रिवर्स किया है, अब देखना ये होगा। दो ओवर पांच बॉल 15 रन। अभी ये देखना होगा इस बॉल पे अंपायर का डिसीजन क्या होता है। भाई अंपायर का डिसीजन तो वाइट था,
वो व्हाइट बॉल ही रहेगा। थर्ड ओवर की 5 बॉल ही हुई है। और यहां पर अदील का कहना था कि नड़ के इस डिसीजन को वाइड लिया जाए। दो ओवर 5 बॉल 16 रन, इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा। अभी भी 7 बॉलों में 14 रन दरकार है रावल बॉयज को। और यह मोहम्मद भाई की काफी अच्छी बॉल जिसपे एक रन चुरा लिया अदील ने। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 17 रन। अब अगर रावल बॉयज को यह मैच जीतना है तो उन्हें 6 बॉलों में 13 रन बनाने होंगे। रावल बॉयज को 30 रन का स्कोर टारगेट दिया गया है। और ये एनआरके की तरफ से 14 ओवर अतीक के रूप में। अब देखना होगा कि अदील अतीक को किस तरह खेलते हैं। 13 रन बनाने हैं एक ओवर में। और ये पहली बॉल काफी अच्छी मारी थी लेकिन अदील कैच थमा बैठे। इन्होंने काफी कोशिश की कि उजैफा की जैसी इनिंग खेले लेकिन नहीं खेल पाए। और अब एनआरके इस मैच में एक बढ़त बनाती हुई। रावल बॉयज को अभी भी 5 बॉलों में 13 रन बनाने हो गए अगर इस मैच को जीतना है। अतीक इस टूर्नामेंट में काफी कॉन्फिडेंस से बॉलिंग डाल रहे हैं, काफी अच्छी बॉल डालते हैं। और ये कवर मांगते हुए दूसरी बॉल अपनी ओवर की लेके आए हैं अतीक। और ये अरफात को काफी अच्छा ये बॉल 6 रन के लिए खेल लिया है अरफात ने। अरफात का काफी अच्छा करारा शॉट। और ये बहुत साधारण सी बॉल डाली थी अतीक ने, बहुत इजी बॉल डाली थी। और अरफात ने काफी अच्छा स्ट्रोक खेला 6 रन के लिए। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 23 रन। और ये वाइड बॉल के साथ स्कोर जा पहुंचा 24 रन। इसी के साथ अब 4 बॉलों में सिर्फ 6 रन बनाने हैं रावल बॉयज को अगर इस मैच को जीतना है और अपनी फर्स्ट पोजीशन को बरकरार रखना है। मैं बताता चलूं कि इस मैच को जो भी जीतेगा, दोनों ही टीम 3 मैच खेल के 6 पॉइंट के साथ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है। और ये चौथी बॉल अपनी लेके तीसरी बॉल लेकर आए हैं। और ये एक और अच्छा स्ट्रोक मारा लेकिन ये कैच हो जाएगा। और अब 3 बॉल में 6 रन चाहिए रावल बॉयज को अगर इस मैच को जीतना है। और अगर ये चौथी बॉल अपनी अतीक और ये काफी अच्छी बॉल डाली थी, एक रन मिल जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ 2 बॉलों में 5 रन का अभी टारगेट मिला है। और अगर माज इस बॉल पे 6 मारते हैं तो उन्हें 500 रुपए इनामी राशि रखी गई है माजिद की तरफ से। अच्छा, और अब 2 बॉलों में 5 रन दरकार। और ये 5वीं बॉल, और ये काफी अच्छी बॉल डाली थी, अच्छा स्ट्रोक मास का, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। अब ये मैच आखिरी बॉल पे जा पहुंचा है। अगर बाला इस बॉल पे 4 रन मार देते हैं तो उन्हें 500 रुपए इनामी राशि दी जाएगी। अब देखना होगा एक बॉल में 4 रन रावल बॉयज को चाहिए और एनआरके को 4 रन डिफेंड करना है। देखना होगा, काफी ये रोमांचक मुकाबला जा पहुंचा है। और इसी तरह के मुकाबले के लिए जाना जाता है
सईदाविला फ्रेंडशिप लीग, जिसमें सारी टीमें एक दूसरे को काफी टफ टक्कर देती है। और यहां पर आखिरी बॉल लेकर आए हैं, आखिरी बॉल लेकर आए अतीक, देखना होगा, चार रन चाहिए। और ये काफी अच्छी बॉल डाली थी, अच्छा स्ट्रोक था बाला का, लेकिन यहां पर देखना होगा कितना रन ले पाते हैं। दो रन और तीसरे रन पे आउट। और इसी के साथ रावल बॉयज एक रन से हार चुकी है ये मैच, और एनआर के इस जीत के साथ चार मैचों में चार जीत और आठ पॉइंट के साथ फर्स्ट पोजीशन पे आ पहुंची है। अब नेक्स्ट मैच देखना, नेक्स्ट मैच अनस्टॉपेबल वर्सेस गब्बर, मैन ऑफ द मैच इस मैच के जो मैच हुआ है अतीक करार दिए गए हैं, अतीक को मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। काफी काफी अच्छी बॉलिंग डाली अतीक ने, और इस मैन ऑफ द मैच से अतीक का और कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा। और यही क्लोज जो मैचेस होती है सईदाविला एसवीएफएल में, यही क्लोज मैचेस की वजह से सईदाविला फ्रेंडशिप लीग और नेक्स्ट मैच है अनस्टॉपेबल वर्सेस गब्बर। और हाँ बोलो ना। अभी दो मैन ऑफ द मैच, इससे पहले वाली मैच और जो अभी मैच हुई है, दो मैन ऑफ द मैच बाकी है। एसके वाली मैच जो जीती थी उसका मैन ऑफ द मैच शहबाज काजी को दिया जाएगा। नवेद भाई अपने हाथों से शहबाज काजी को मैन ऑफ द मैच दे। शहबाज काजी ने अपना मैन ऑफ द मैच खुद लेकर आया उठा के। शहबाज काजी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, काफी अच्छी बॉलिंग डाली थी। और ये छोटे नवेद भाई की तरफ से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। और जो लास्ट मैच हुई थी जिसमें एनआरके जीती थी, उस मैच का मैन ऑफ द मैच अतीक है। अतीक का भी मैन ऑफ द मैच दे दिया जाए भाई, मिल गया, अच्छा दे दिए ना, अच्छा ठीक है, अतीक का मैन ऑफ द मैच मिल गया है। और अभी गब्बर वर्सेस अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल की बैटिंग आई है और गब्बर की बॉलिंग है। अब्दुल बासित जहां कहीं भी हो ग्राउंड पे आए, अब्दुल बासित जहां कहीं भी हो ग्राउंड पे आए, उनकी मैच है, फील्डिंग आई है। अब्दुल बासित जो गब्बर टीम की जान मान और शान है, जल्दी से ग्राउंड पे आ जाए। भाई जल्द से जल्द मैच स्टार्ट की जाए, काफी देरी से चल रहा है हमारा टूर्नामेंट। फील्डिंग साइड प्लीज अपनी फील्डिंग सजाए जल्दी से। और ये अनस्टॉपेबल के दो खतरनाक बैट्समैन क्रीज पे आ चुके हैं, तबरेज और निसार। अब देखना ये होगा कि ये कितना टारगेट देते हैं, 50, 60 या 70।
फील्डिंग टीम अपनी स्ट्रेटेजी बनाना खत्म हुई है तो अपनी फील्डिंग सजाए प्लीज जल्दी से। अंपायर से गुजारिश है भाई मैच जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। अंपायर से गुजारिश है मैच जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। अरे रुक रे बाबा हमारी टीम की मैच है यहाँ पे। नवेद भाई आज बहुत खुश है क्योंकि उनकी टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। चार मैच में चार जीती है एनआर के। और अब ये मैच का फर्स्ट ओवर अरबाज लेके आए हैं। अरबाज लेफ्ट आर्म बॉलर है और ये ज्यादातर बिलीव करते हैं कि यॉर्कर बॉल डाली जाए जिसपे बैट्समैन को मारने का मौका ना मिले। और यहां पर ये मैच की शुरुआत करते हुए बैट्समैन को देख के बॉलर चेंज हुआ है। फहद भाई बॉलिंग पे आए हैं फर्स्ट ओवर लेके आए हैं और क्रीज पे मौजूद तबरेज और निसार दो बैट्समैन घातक बैट्समैन अब देखना होगा अनस्टॉपेबल गब्बर बॉयज को क्या टारगेट दे दी है फर्स्ट बॉल फहद भाई की। और ये काफी अच्छा बॉल डाला था और काफी अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश की थी लेकिन बैट के किनारे पे लग के लेग साइड में बॉल गया और एक रन ही मिलेगा। सेकेंड बॉल फहद भाई की तबरेज स्ट्राइक पे और ये काफी अच्छा बॉल और उसी के साथ एक अच्छा अलोंग द टर्फ शॉट खेला जिसपे एक रन ही मिलेगा और इसी के साथ दो बॉलों पे दो रन थर्ड बॉल। ये भी काफी अच्छा शॉट था लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। तीन बॉलों के चलते तीन रन हो चुके हैं अनस्टॉपेबल के। अब देखना होगा तबरेज एक बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे और ये खेल लिया है और ये इसी के साथ लेकिन बीच में समद भाई की काफी अच्छी फील्डिंग और चार बॉलों में चार रन के साथ अनस्टॉपेबल जीरो विकेट के साथ। अब देखना होगा निसार पांचवी बॉल पे क्या करते हैं और ये अंपायर का इशारा नॉट आउट बॉल की अपील की गई थी लेकिन अंपायर ने डिसीजन नहीं दिया। एक बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहेंगे क्योंकि ये ओवर पावर प्ले का है और पांच बॉलों में चार ही रन आए अभी तक। और ये काफी अच्छा बॉल डाला था फहद भाई ने बिल्कुल जड़ में डाला था जिसे निसार भाई नहीं खेल पाए और एक ही रन मिल पाएगा। यहां पर एक वन डी प्लस वन दो रन के साथ एक ओवर की समाप्ति पे छह रन के साथ अनस्टॉपेबल जीरो विकेट। एक ही रन के साथ पांच रन अनस्टॉपेबल का एक ओवर के बाद पांच रन के साथ। और अरबाज ये बॉलिंग डालने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो रहे फर्स्ट ओवर भी डालने के लिए आए थे लेकिन फहद भाई ने उनके हाथ में से बॉल ले लिया था और सेकेंड ओवर डालने के लिए अरबाज आए
फिर शोएब भाई ने उनके हाथ से बॉल ले लिया। अभी देखना होगा सेकेंड ओवर। इस ओवर में एक बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे अनस्टॉपेबल टीम। एक ओवर की समाप्ति पे 5 रन और ये एक अच्छा बॉल, पहली बॉल काफी अच्छी बॉल पैरों में डालते हुए शॉट खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। एक बॉल 5 रन और ये दूसरी बॉल भी कॉपी कैट बॉल डाली थी, जैसी फर्स्ट बॉल डाली थी सेम कॉपी और पेस्ट कर दिया सेकंड बॉल पे। दो बॉल के चलते 5 रन और ये तीसरी बॉल भी वही बॉल खिला रहे निसार को, वही बॉल खिला रहे शोएब। 3 बॉल के चलते 5 रन और ये 4 चौथी बॉल नो बॉल करार दी गई। 3 बॉल 7 रन। अमन पीछे आ जाओ। और ये चौथी बॉल पे तबरेज ने अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन बॉलर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ 1 ओवर 4 बॉल 8 रन अनस्टॉपेबल का स्कोर। अब देखना ये होगा इस ओवर की 2 बॉल पे निसार क्या कर पाते हैं। पांचवी बॉल अपनी ओवर की शोएब भाई लेके आए हैं। और ये अलोंग द टफ खेल लिया है 1 रन के साथ 9 रन। एक एक रन से काम नहीं चलेगा तबरेज, अब एक बड़ा शॉट खेलना होगा। 1 ओवर 5 बॉल 9 रन और ये इसी के साथ अच्छा शॉट खेला था लेकिन और देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। रनआउट की अपील है, बैट्समैन क्रीज में पहुंचा या नहीं देखना होगा। और स्कोर जा पहुंचा है 1 ओवर 5 बॉल 9 रन। अरे तो ये बॉल पे भाई डिसीजन आने दो ना, आउट है क्या नहीं। उजेफा इस टीम के मेंटर कोच और इन्होंने ही सारे अच्छे 11 प्लेयर्स सेलेक्ट किए अपनी गब्बर टीम के। और दो ओवर की समाप्ति पे 9 रन और 1 विकेट। अब देखना होगा जो 2 ओवर बाकी है वो 2 ओवर में अमान ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलना चाहेंगे और तबरेज और अमान क्रीज पे मौजूद और अरबाज आखिरकार आ ही गए बॉल डालने के लिए। अरबाज को उनकी टीम ने 3rd ओवर दिया है। काफी पहले से वो चाह रहे थे कि मैं ओवर डालूं लेकिन उनको 3rd ओवर दिया गया। अब अमान और यहां पर अनस्टॉपेबल चाहे कि क्या आखिरी जो 2 ओवर बचे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए, कम से कम 40 रन बनाए जाए ये 2 ओवरों में। अरबाज और ये खेल लिया तबरेज ने, ये पहला बड़ा शॉट तबरेज की बैट से और इसी के साथ तबरेज की बैट बोलने लगी है। अब तक तबरेज का बल्ला खामोश था लेकिन अब तबरेज की बैट बोलने लगी है। तबरेज चाहेंगे इस ओवर की जो शुरुआत हुई है इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाया जाए। 15 रन हो चुके हैं 2 ओवर 1 बॉल और ये बॉलर की दिशा भटकी, पहली ओवर में फटका और दूसरी बॉल पे दिशा भटकी। 16 रन
और ये दूसरी बॉल पे भी काफी अच्छा खेला और इसी के साथ काफी अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे समझ पाएगी और स्कोर जहां पहुंचा है 17 रन, दो ओवर दो बॉल 17 रन। और अमान अब स्ट्राइक पे, अरबाज सामने, अरबाज कोशिश करेंगे कि वो सेफली ये बॉल निकाल ले और ये काफी अच्छा शॉट खेला अमान ने, ये कैच हो सकते थे, काफी अच्छी फील्डिंग की कोशिश वहां पे। इसी के साथ दो ओवर तीन बॉल 18 रन, अनस्टॉपेबल के पास अब 9 बॉल बची है और 9 बॉलों में ये ज्यादा से ज्यादा रन बनाने चाहेंगे। तबरेज की बैट अब चलने लगी है, अब देखना होगा इस बॉल पे क्या करते हैं। और ये एक बार और घुमा दिया, दो ओवर चार बॉल 18 रन। दो ओवर चार बॉल 18 रन, 8 बॉल अभी भी विशेष। और ये अपनी पांचवी बॉल पे चकमा दिया, चेक किया बैट्समैन को कि क्या करना चाहते हैं। अरबाज काफी जाने जाते हैं यॉर्कर बॉल डालने के लिए, अब देखना होगा पांचवी बॉल पे कौन सी बॉल लेकर आते हैं। और ये अरबाज अपनी लाइन से भटके और एक और वाइड के साथ अनस्टॉपेबल का स्कोर जहां पहुंचा, दो ओवर चार बॉल के चलते 19 रन। अब देखना होगा ये दो बॉल जो अरबाज की बची है, इन दो बॉलों पे ज्यादा से ज्यादा रन बनाने चाहेंगे तबरेज। 19 रन हो चुके हैं दो ओवर चार बॉल। और ये फिर से वाइड, अरबाज सच में अपनी लाइन और लेंथ भटक चुके हैं क्योंकि तबरेज ने उनको एक छक्का मारा था। अरबाज को तबरेज ने जो पहली बॉल पे 6 मारा था उसका खौफ अब तक दिखाई दे रहा है अरबाज की बॉलिंग में। अब देखना होगा पांचवी बॉल पे अरबाज बॉलिंग प्रैक्टिस करके आए हैं। और ये एक और एक 6, यही वजह थी अरबाज जो लाइन भटकी थी इनकी। और इसी के साथ 26 रन हो चुका है अनस्टॉपेबल का। अरबाज की जो लाइन भटकी थी उसकी वजह तबरेज का ये शॉट था और तबरेज ने बता दिया कि अरबाज क्यों ऐसी बॉलिंग डाल रहे हैं। एक बॉल और अभी बाकी है अरबाज की, देखना चाहेंगे तबरेज इस बॉल पे कितना रन बटोर सकते हैं। दो ओवर पांच बॉल 26 रन। और ये एक और एक 6 रन, इसी के साथ 32 रन इस ओवर के साथ। दो तीन ओवर की समाप्ति पे 32 रन और इसी के साथ अरबाज की जो आखिरी ओवर थी, आखिरी ओवर में टोटल 23 रन मारे हैं जिसमें से तबरेज के 3 छक्के हैं। और शायद यही वजह थी अरबाज अपना ओवर पहले डालना चाहते थे क्योंकि जैसे ही अमान क्रीज पे आते हैं तो बॉलरों के पैर के नीचे से जमीन हट जाती है। और ये चौथा ओवर लेकर आए हैं इब्राहिम, जिनको प्यार से चूहा कहा जाता है। इब्राहिम अपनी चौथी ओवर की पहली बॉल अमान बैटिंग पे और ये काफी अच्छी बॉल डाली थी लेकिन वाइड करार दी जाएगी। इसी के साथ 33 रन, अनस्टॉपेबल एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई 33 रन। और ये एक और एक बहुत अमान को एक लाइफ लाइन मिली है यहाँ पे, एक काफी आसान सा कैच छोड़ा है समीर ने और ऐसी सिचुएशन में होता है समीर, जब बड़ा बैट्समैन खेलता है तो सामने वाली टीम के सारे बॉलर समेत प्लेयर भी घबरा जाते हैं। 34 रन 3 ओवर 1 बॉल। और ये बहुत अच्छा शॉट मारा था लेकिन यहां पर शोएब लेफ्टी की काफी अच्छी कैच। 3 ओवर 2 बॉल, 3 ओवर 2 बॉल के चलते 34 रन। अब देखना होगा
और ये जो इससे पहली वाली बॉल डाली थी इब्राहिम ने, उसपे उजैफा ने कुछ टिप्स दी थी इब्राहिम को और उसी के चलते उनको विकेट मिली है। और उजैफा ने काफी अच्छा समझाया है थर्ड बॉल कैसी डालनी है इब्राहिम को। तीन ओवर दो बॉल 34 रन और ये काफी अच्छा खेल लिया है। और ये खालिद की बहुत अच्छी कैच, इसी के साथ तीन ओवर तीन बॉल 34 रन। और देखना होगा हारिस अमान ने हारिस को क्या इंस्ट्रक्शन दी है, एक रन निकाल के देने बोला है या छह मारने बोला है। और हारिस नेक्स्ट बैट्समैन, हम जानते हैं हारिस एक दम कम रखते हैं छह मारने का। और इब्राहिम अपनी चौथी बॉल लेके आए हैं, देखना होगा इस बॉल पे छह खाते हैं या विकेट लेते हैं। और ये काफी अच्छे तीन ओवर चार बॉल 34 रन 4 विकेट्स। अगला बॉल लेके चुआ तैयार, सॉरी अपने ओवर की पांचवी गेंद लेकर इब्राहिम तैयार, जैद तैयार, अपने ओवर की पांचवी गेंद लेकर इब्राहिम तैयार, अपना स्टांस लेते हुए जैद को। और ये इब्राहिम ने बॉल डाली और ये काफी बेहतरीन शॉट एक रन के लिए। अमान उजैफा कुछ समझाते हुए इब्राहिम को, हो सकता है इस गेंद पर कुछ बड़ा हो क्योंकि उजैफा ने समझा दिया है। अमान आखिरी बॉल खेलने के लिए तैयार, इब्राहिम अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए, देखना है इस गेंद पर क्या हो सकता है। बैटिंग टीम को उम्मीद है कि वो सिक्स मारे। और ये इब्राहिम ने छठी गेंद डाली और एक काफी अच्छा शॉट सिर्फ एक रन के लिए, दूसरे रन के लिए भाग चुके हैं लेकिन ये रन आउट। इसी के साथ 36 रन 37 टू विन। आवाज नहीं आ रही है, माइक खराब है भाई। फिर हेलो अभी आ रही है। उजैफा कहाँ गए? उजैफा एसके के कैप्टन आ जाइए जल्द से जल्द टॉस उड़ाने के लिए। एसके के कैप्टन आ जाओ टॉस उड़ाने के लिए। थर्टी सेवन विन है, 37 रन जीतने के लिए चाहिए अनस्टॉपेबल टीम के लिए। जल्द से जल्द बैटिंग चालू करें। बैटिंग पे आया अलबाज,
और इब्राहिम बैटिंग पर आए, इब्राहिम और अरबाज। जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करा जाए। एसके ने टॉस जीत के बैटिंग ली है, एफसीसी की फील्डिंग है। जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें। बॉलिंग पे आया तब्रेज, महबूल, महबूल कहाँ है महबूल? जल्द से जल्द एफसीसी के कैप्टन से मिले। कुछ जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें तब्रेज। तब्रेज अपने के ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, इब्राहिम स्ट्राइक पर। 37 रनों का लक्ष्य है इनके पीछे और ये पहली गेंद तब्रेज की, वाइड बॉल। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर वापस से तैयार तब्रेज। काफी अच्छी बॉल, काफी अच्छा शॉट और ये 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए इब्राहिम तब्रेज की पहले ही गेंद पर 6 रनों के लिए। दूसरी अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, इब्राहिम ने काफी अच्छा शॉट खेला और ये भागकर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ 2 बॉल पर 8 रन स्कोर जा पहुंचा। तीसरी गेंद, अरबाज तैयार, तब्रेज तैयार, काफी अच्छा शॉट 6 रनों के लिए। बोला ना 6 रन मान। वाइड बॉल, ये अरबाज की ना, अरबाज का विकेट जाते हुए, तौर कैच लेते हुए, तब्रेज बॉलिंग डालते हुए। तब्रेज अपना कमबैक करते हुए, चार बॉल 14 रन। तब्रेज अपनी पांचवी बॉल लेके, वाइड बॉल, चार बॉल 16 रन। चार बॉल 16 रन, स्वीप मारते हुए समीर, पांच बॉल 17 रन। लास्ट बॉल तब्रेज की, लास्ट बॉल डालते हुए तब्रेज बैटिंग पे, इब्राहिम वाइड बॉल 18 रन, पांच बॉल। बहुत ही महंगे साबित हुए तब्रेज। बहुत अच्छा शॉट इब्राहिम का, 6 रन, 1 ओवर 24 रन। बहुत ही महंगे साबित हुए तब्रेज और फैसल का मुंह उतरते हुए। बहुत अच्छे बॉलिंग, समीर
ताहूर बॉलिंग पे और समीर बैटिंग पे। नो बॉल, नो बॉल का फायदा उठाते हुए दो रन। आठ छोटे व्हाइट बॉल, ताहूर की व्हाइट बॉल। अगला बॉल नो, नहीं है नो, नहीं है। भाई एम्पायर खड़ा है वहां पे, एम्पायर को डिसीजन देने दो, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। स्कोर क्या हुआ? स्कोर आदिल भाई, स्कोर एक ओवर चार बॉल 30 रन, एक विकेट के नुकसान पे। अरे माँ भाई सपना देख रहे थे, भाई सपना देख रहे थे, उतने में अजान हो गई। भाई बहुत अच्छे सपना देख रहे थे, आँख खुल गई अचानक में। बहुत अच्छे बॉलिंग, दो ओवर 31 रन, एक विकेट। तीसरी ओवर, तीसरी ओवर निशा डालेंगे। बहुत अच्छा शॉट समीर का, एक बॉल 32 रन। दस बॉल में चार रनों की जरूरत। समीर स्ट्राइक पर, समीर के सिक्स पर 100 रुपया उजेवा की तरफ से। और यहाँ फाद भाई की तरफ से इब्राहिम को 500 रुपया दिया जाता है, क्योंकि इब्राहिम का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस मैच में। मैन ऑफ द मैच इब्राहिम, ट्रॉफी और 500 रुपया इनामी राशि।